मुझे बोल देता है कि किरेन रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आलों का एक स्टेडियम भी नहीं बना पाता है, कि किसने नहीं बना है, कौन है? मैं तो किसी को तो फांसी नहीं लगा सकता हूं ना, कौन कॉन्ट्रेक्टर है, किसने केस दिया, किसने नहीं हुआ? ये सिंपल चीज है, इसके लिए ऐसे हवा में बात करने से नहीं होता है। ये स्टेडियम पासीघाट का स्टेडियम, जीरो का स्टेडियम, दापोरिजो का, आलो का स्टेडियम, एक दिन एक कागज में साइन करके सैंक्शन किया है, सबका सब हो गया, आलो का क्यों नहीं हुआ था? हमारे एमएलए साहब ने जो बताया ये स्टेडियम के बारे में, एक स्टेडियम है, ये स्टेडियम पासीघाट का स्टेडियम, जीरो का स्टेडियम, दापोरिजो का, आलो का स्टेडियम, एक दिन एक कागज में साइन करके सैंक्शन किया है, सबका सब हो गया, आलो का क्यों नहीं हुआ था? तो उसमें जाना चाहिए, आराम से कोई मुझे बोल देता है कि किरेन रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आलो का एक स्टेडियम भी नहीं बना पाता है, कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि किसने नहीं बना है, कौन है? मैं तो किसी को तो फांसी नहीं लगा सकता हूं ना, कौन कॉन्ट्रेक्टर है, किसने केस दिया, किसने नहीं हुआ? ये सिंपल चीज है, इसके लिए ऐसे हवा में बात करने से नहीं होता है। मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरा खिलाफ में बोला है, बाद में आलो से हमारा पार्टी के लोग ने वीडियो भेजा मुझे, बोला कि आलो में बोला है कि किरेन रिजिजू तो इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया, आलो का एक स्टेडियम भी नहीं बना सकता है। तो ये सब जो है, अगर कोई नहीं जानने वाला बोलता है तो उसको समझाना है, लेकिन कोई जानकारी आदमी जबरदस्ती बोलेगा उसको क्या कर सकता है? सबको मालूम है स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है, केस में पेंडिंग है, कॉन्ट्रेक्टर का प्रॉब्लम है। हम उल्टा दुखी है कि पैसा दिया वाला चीज को नहीं बना पा रहा है, हम गुस्सा है और हमको ही लोग उल्टा गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं बना दिया। गुस्सा तो हमको हो रहा है ना, पैसा दिया वाला क्यों नहीं बना रहा है, वो हमको गुस्सा कर रहा है। तो ऐसा जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। बाद में सीएम साहब को मैंने बताया कि इसको आप या तो एक्शन ले लीजिए, नहीं तो आप तुरंत कुछ कार्रवाई कीजिए, नहीं तो बिना मतलब आलो में ऐसे बदनाम करने वाला कुछ लोग निकल गया है। तो सीएम साहब ने डायरेक्शन दिया, उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को बोला कि डायरेक्ट तुम लोग खुद आलो चला जाओ और इसको सॉल्व कराओ। तो अभी मुझे अच्छा लगा, इतने साल के बाद में सॉल्यूशन करके अभी काम हो रहा है।